हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं ख्याल रखते तो सनी गल कर रहे हैं जनाब। शाह अल्लाह दिता से सनी जी, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा और डॉक्टर साहब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं जी, फरमाएं। डॉक्टर साहब साढ़े को मज एक बीमार है जी, तकरीबन महीने दो हो गए जी जी। मज ने जुस्सा भी थोड़ा जा आंकड़े है जी, सुजान भी हो गया, तो फिर मज जेड़ा है गोए दे विच जेले नुमा कर रही है, पूरे पट्टियां गोबर में क्या उसको आ रहा है? गोबर दे विच जेला नुमा नहीं जितना होना है, कबर डंगो करना है। अच्छा, इस तरह दे खान पीन भी इस तरह दे के तकरीबन दो सिर बंडे बहुत उस विच अद्धा किलो खासी, यानी के ओदे गोबर च म्यूकस जी आ रही है, सफेद सफेद आ रहा है वो मादा? सफेद सफेद। अच्छा म्यूकस है। अच्छा और की है? आप इस तरह करें ना, एक कोई भी डीवर्मर ले लें, जो पेट में जो मलाप वगैरह या कीड़े कहते नहीं, कीड़ों की दवाई पेट के, वो आप ले लें, निलजान प्लस जी सर, या एलबेंडा जो फारबेंडा मिल जाएगी, कोई मिल जाए आप, बेहतर ये है। सिस्टोमिक भी मिल जाती है कोई, लेकिन निलजान प्लस ले लें, ज्यादा बेहतर है निलजान प्लस। हाँ ये लेके और उसके ऊपर हदायात जो दी होती हैं वो पढ़ लें, ठीक है? वो और कितनी मकदार में आपने उसको देनी है, वो जो भी जब भी दवाई दें ना, तो उन दवाई के साथ कंपनी की हदायत होती हैं, उन पे अमल करना चाहिए। वो करके इसको सुबह खाली पेट पहले गुड़ खिला के फिर वो दवाई जितनी मकदार में कही होगी, जिस तरह देनी होगी वो दे दें, और फिर एक घंटा दो घंटे इसको ना पानी पीने देना है, ना कोई इसके आगे चारा वगैरह कोई चीज़ नहीं खाने के लिए नहीं देनी, ताकि ये दवाई का असर हो जाए अच्छी तरह। एक घंटा या दो घंटे के बाद पानी पिलाएं और पट्ठे वट्ठे डालें या जो वो डालें, तो इंशाल्लाह ताला जूं ही ये इसकी डीवर्मिंग हो जाएगी पेट की, तो ये जो म्यूकस आ रही है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक है? फिर एक गल है कि अखा जो मुंह पानी ये भी शुरू हो, वही ना मेरी जान, ये जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये आंखों में मुंह में वो रालें भी टपकती हैं, आंखों में पानी आ जाता है, ये सारा इसकी असल में डीवर्मिंग होने वाली है। ये एक कर लें, दूसरे नंबर पे इसको जो वंडा देंगे ना, वंडा देते हैं या नहीं? वंडा देते शुरू हुआ है टुकड़े और खासे। हाँ मेरी सुन लेना, ये टुकड़े रोटी के टुकड़े ये भी जो लाते हैं, हो सकता है इनके अंदर फफूंदी लगी हुई हो, उल्ली लगी होती है, तो वो उससे भी पेट खराब हो जाता है, वो प्लीज ये ना करें, ठीक है? ये इनको आइंदा ये रोटी के टुकड़े जिन पे फफूंदी हो ये बिल्कुल ना दें, और खल भी देखें, साफ सुथरी अच्छी खल लो और वो खल दें, खल इसको देंगे साथ इसके डीसीपी पाउडर डालें, डीसीपी पाउडर रोजाना इसको 200 ग्राम रोजाना दें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दूध भी ठीक कर लेगी और इसकी जब डीवर्मिंग हो जाएगी, आंखों से पानी और दूसरा वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ स्टोमिक पाउडर रखें इसका जो अंदर है, खास तौर पे ये उल्ली वाली रोटियां या जो आपने इनको खिला दी हैं वो, उसका तदारुक भी करना है, इसलिए स्टामिक पाउडर बना के रखें घर में, और उसके लिए मैं मेरे प्रोग्राम आप देखते रहे, चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना? हाँ, तो उसमें जब सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल में जाएं, ऊपर लिखें स्टामिक पाउडर डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा, तो स्टामिक पाउडर, स्टामिक में स्पेलिंग होते हैं STOMAC,
स्टामिक पाउडर, तो वो लिख के नाम मेरा लिखेंगे डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो आपको बहुत सारे मेरे फार्मूले मिल जाएंगे स्टामिक पाउडर बनाने के, तो वो आप देख लें। लेकिन मोटा सीधा साधा छोटा सा फार्मूला वो आप अगर ना मिले उधर से तो वो ले लें। हम वजन ले लें, सौंफ ले लें, अजवाइन ले लें, अगर एक किलो सौंफ लेते हैं तो एक किलो ही अजवाइन ले लें और आधा पाव उसमें काला नमक डाल लें और एक छटाक उसके अंदर सफेद नमक डाल लें जो आम खाते हैं, और इसके बाद आप उसको अच्छी तरह उसमें दो किलो 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 एक गुड़ डाल लें, उसकी पिनियां बना लें, रोजाना इसको पिनी एक खिला दें, इसको भी और दूसरे जानवरों को भी खिलाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपके जानवर भी रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा जनाब, शाला दिता वालो, ठीक है जी जनाब। ओके बिस्मिल्लाह। जी जी क्या कर देती है चले उसका अलहदा, आप वो जो प्रोग्राम है ना उसके लिए अलहदा मुझे एक कॉल करें, वो चूंकि टॉपिक डिफरेंट है उस पर मैं फिर आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। बेशक इसके बाद ही आप कर लें, जब भी आपको टेलीफोन कॉल मिले उस वक्त कर लें, ठीक है। अभी लोग सारे लगे हुए हैं, प्लीज और भी किसी को मौका दे देंगे, एट ए टाइम एक टॉपिक होगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। नाम क्या आपने बताया एक दफा? वैसे नाम सर मेरा जुनेद है, सनी सनी के नाम से पुकारते हैं। सनी, चलें जी सनी। हमारे पास एक सनी क्लाथ भी है, सनी कपड़े हैं, सनी क्लाथ हाउस है। ओके ठीक है मेरी जान, मेरी जान। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सनी, खुश रहे। आपको तो मरी में सनी बैंक है एक पकड़ा, कभी गए हैं मरी? नहीं सर मैं मरी तक नहीं गया। जाएं जाएंगे जब ये एंटर होंगे ना तो कहें ओ यार इस जगह का क्या नाम है, वो कहेंगे आपके नाम पे है सनी बैंक। अच्छा। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।